अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और बहुत खैर खैरियत से होंगे अपनी अपनी फैमिली के साथ। और यहाँ पे सब्ज़ी आई थी तो उसकी मैंने एक वीडियो बना ली है, क्योंकि सब्ज़ी बहुत महंगी मिल रही है, बहुत महंगी। और मैं वही सब्ज़ी निकाल रही हूँ, और सब्ज़ी निकालने के बाद कुछ सब्ज़ियों को मैं तो साफ़ कर लूँगी, धो लूँगी। और धनिया की पत्ती आपने देखा है, और धनिया की पत्ती इतनी सी थी लेकिन 30 रुपये की थी वो धनिया की पत्ती, इतनी महंगी थी। तो बस अब मैं सब्ज़ियाँ अलग कर लूँगी। और ये तो इस दिन जब बाज़ार था तो मेरी सब्ज़ी आई, उस दिन का ये थोड़ा सा मैंने क्लिप लिया है, वीडियो ले लिया है। और यही से अपना ब्लॉग वीडियो बनाना मैंने स्टार्ट किया था रात से ही। तो बस लहसुन, ये अदरक, आलू, बैंगन, टमाटर, लौकी, गोभी, भिंडी, मूली, ये सब सब्जी आया था। तो बस सब्जी को मैं निकाल के अच्छे से मैं वॉश करूँगी, लेकिन अदरक लहसुन को मैं कैसे प्याज को मैं कैसे वॉश करूँगी, इसको तो थोड़ा देर तक मैं रखूँगी बाहर, उसके बाद ले आकर रख दूँगी। क्या करना मैं कैसे करूँगी समझ में नहीं आता है। बस तो यहाँ पर सब्जियाँ मैं निकाल लेती हूँ, अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। तो ये क्लिप मतलब रात की थी, और यहाँ पे सुबह हो गई है। सुबह का आप सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे मैंने पत्तेदार सब्जियाँ काट ली हैं, मूली के पत्ते काटे हैं मैंने, मूली काटे हैं, बैंगन काटे हैं, आलू काटे हैं। और यहाँ पे मैंने मैं बनाऊंगी भी आलू गोभी की सब्ज़ी, जो मैंने प्याज, हरी मिर्च, टमाटर भी कट करके रखा है। और यहाँ पे बन रही है मेरी सुबह की मॉर्निंग चाय, जो सुबह का मॉर्निंग चाय बिल्कुल ज़रूरी रहता है पीना मेरा, मैं ज़रूर से ज़रूर पीती हूँ। तो बस चाय इधर बन रही है, और यहाँ पे मैं बनाऊंगी सब्ज़ी। पहले मैं सब्ज़ी बनाऊंगी उसकी पत्तेदार सब्ज़ी, मूली की सब्ज़ी। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रही हूँ, तो प्याज फ्राई हो रहे हैं, ब्राउन हो रहे हैं, उसके बाद मैं मूली के पत्ते इसमें ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे प्याज ब्राउन हो रहे हैं, और चाय तो बन रही है सुबह का मॉर्निंग टी। और प्याज ब्राउन करने के बाद इसमें मैंने ऐड कर दिया है पत्तेदार सब्जी, आलू, बैंगन, मूली की सब्ज़ी, और कुछ मैंने इसमें मूली भी कट किए हैं। और बस इसमें मैं डालने के बाद कढ़ाई में मैंने इसमें डाल दिया है सब्ज़ी को, और बस उसमें थोड़ा सा मैं नमक ऐड कर दूंगी, बस इसको मैं कवर कर दूंगी अच्छे से। तो बस सब्ज़ी बन जाएगी, और ये सब्ज़ी बहुत फ़ायदेमंद है सेहत के लिए, बहुत अच्छी है। बच्चे तो बिल्कुल नापसंद करते हैं, लेकिन बच्चे तो खाना, क्योंकि इसमें से थोड़ा सा स्मेल आती है तो बच्चे खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग मतलब खा लेते हैं, मुझे तो अच्छी लगती है तो मैं खाती हूँ। और यहाँ पे बन गई है मेरी चाय, तो बस चाय मैं पी लेती हूँ सुबह सुबह का, क्योंकि सुबह सुबह मैं चाय लेती हूँ। और अब मैं सब्ज़ी बन रही है तो मैं चाय पीने के बाद ही मैं इधर आऊँगी किचन में, और फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी आलू गोभी की सब्ज़ी और रोटियाँ मैं बनाऊँगी। तो बस चाय मैंने पी ली है, पी लेने के बाद इधर मैं आ गई हूँ। मैं बनाने जा रही हूँ मतलब गोभी आलू की सब्ज़ी। तो मैं पहले अच्छे से मैं गोभी को फ्राई करूँगी, और गोभी को जब मैं फ्राई करने के बाद आलू को भी मैं फ्राई करूँगी। और इस तरह से क्या होता है कि जब सब्ज़ियाँ को मैं गोभी आलू फ्राई कर लेती हूँ तो सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। सब्ज़ी तो बनती है वैसे भी बहुत टेस्टी, लेकिन जब फ्राई हम लोग करते हैं ना तो सब्ज़ी बहुत इसका लजीज बनता है, अच्छा बनता है। तो बस गोभी को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया, और उधर मैं फ्राई कर रही हूँ आलू, और आलू को भी मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और आलू को मैं फ्राई करने के बाद निकाल लूँगी इसको, देखिए आलू भी मेरे फ्राई हो गए हैं अच्छे से। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ, और इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा जीरा,
थोड़ा सा मैं इसमें जीरा ऐड करूँगी, और थोड़ा सा मैं जीरा ऐड करने के बाद इसमें मैं वो ऐड करूँगी। देखिए मैंने डाल दिया है जीरा, उसके बाद जीरा जब हो जाएगा मेरा थोड़ा सा, उसके बाद इसे मैं ऐड कर दूँगी ये प्याज। तो प्याज इसे मैं ऐड करूँगी और थोड़ा सा मैं इसको गोल्डन ब्राउन तक फ्राई करूँगी। तो बस बिल्कुल ये फ्राई हो चुका है। इसमें मैंने ऐड कर दिया मसाले, और मसाले में क्या था, मसाले में वही था जो डेली रूटीन के मसाले होते हैं, जैसे अदरक लहसुन धनिया काली मिर्च जीरा और दो चार हरी मिर्च दो चार लाल मिर्च, और उसको मैं क्या बोलती हूँ हल्दी पाउडर, और ये मैंने डाल दिया है टमाटर, और साथ में सब एक साथ में भुन जाएंगे। और भुन लेने के बाद इसमें मैं सारे जो सब्जी मैंने फ्राई किया है ये इसमें मतलब सब्जियों को मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और बस थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूंगी, बस सब्जी बन जाएगी, पक जाएगी तो सब्जी हो जाएगी। देखिए मसाले बिल्कुल अच्छे से बन पक चुके हैं, और ये सब्जियां मैंने इसमें सारी डाल दी है, और वो जो साग की सब्जी भी पक गई है उसको मैंने उतार दिया है चूल्हे पर से, और मैंने तवा यहाँ रख दिया है रोटी बनाने के लिए, गर्म हो रहा है तवा। अब बस थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दूंगी, क्योंकि मुझे अभी आलू गोभी जो है ना इसको अभी गलाना है, अच्छे से पकाना है, गलाना है, तो इसके लिए पानी तो जाएगा इसमें। तो बस डाल दिया मैंने पानी, और इसको मैं अब कवर कर दूंगी अच्छे से, ये पक जाएगा, और उसके बाद धनिया का पत्ता इसमें ऐड कर दूंगी, तो बस बन के सब्जी बन जाएगी इंशाल्लाह बन जाएगी। और बस तो यहाँ पर रोटियाँ मैंने बना ली है, और रोटियाँ बनाने के बाद इधर मैं बना रही हूँ पराठे, बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ पराठे, और ये मैं बना रही हूँ पराठा तीन टिकड़ा, गैस पे बोलते हैं तिकोना हम लोग बोलते हैं, तिकोना पराठा मैं बना रही हूँ। तो क्या है कि यहाँ पे बिल्कुल नाश्ता मेरा रेडी हो गया है, और बच्चों ने नाश्ता कर लिया है। पहले मैं बच्चों को नाश्ता कराती हूँ नाश्ता बनाने के बाद, और इधर मैं नाश्ता करने जा रही हूँ। अब थोड़ा सा मैंने पत्तेदार सब्जी लिया है, एक मूली ली है, आलू गोभी की सब्जी, बहुत अच्छा नाश्ता बना था माशाल्लाह। तो बस इधर मैं नाश्ता करने के बाद इधर मैं आ गई हूँ किचन में, तो किचन में मैं आई हूँ, और यहाँ पे सारे जो बर्तन होते हैं सुबह का, ढेर सारे बर्तन निकलते हैं सुबह के, तो मैंने बर्तन साफ़ कर लिए हैं, और यहाँ पे जो सेल्फ वगैरह है ना, तो इसको मैं अच्छे से मैं साफ़ कर रही हूँ। और साफ़ कर लेने के बाद अभी मुझे खाना बनाना है, क्योंकि अभी सिर्फ मैंने नाश्ता बनाई है, लेकिन खाने में क्या बनाना है, सिर्फ दाल चावल और मछली बनाना है मुझे, तो ये काम तो मेरे बिल्कुल हो चुके हैं। और कर लेने के बाद मैं अभी दाल चावल बनाऊंगी, और उसके बाद कुछ नहीं करना है, जो थोड़ा मोड़ा जो शाम का होता है ना तो वही मुझे करना है, तो ज़्यादा काम जो रहते हैं सुबह में रहते हैं, शाम में थोड़े कम रहते हैं। तो यहाँ पे दूध में छान रही हूँ छननी से, तो बस इसको मैं रख दूंगी अब गैस चूल्हे पे, धीरे धीरे ये पकता रहेगा और अपना काम मैं करती रहूंगी। तो इधर मैं दाल भी बैठा दूंगी, और दाल मैं बिल्कुल बनाती हूँ जैसे कि दाल बच्चे पसंद नहीं करते हैं खाना, ये दाल में जो पड़ता है टमाटर वगैरह, तो मैं सिंपल ही दाल बनाती हूँ, हमेशा मैं बनाती हूँ ऐसे ही दाल। बस नमक डालूँगी हल्दी डालूँगी, और जब मैं इसमें तड़का लगाती हूँ ना तो लाल मिर्च और लहसुन का लगा देती हूँ। अस्सलाम
अस्सलामुअलैकुम हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हो आप सभी? और आज का जो मेरा ब्लॉग है, मतलब वीडियो बनाना हुआ, सुबह से मैंने मॉर्निंग से बनाना मैंने स्टार्ट किया है। और सुबह के मैंने सब्जी बना दी है, आलू गोभी की और मूली की सब्जी। और मूली की सब्जी बहुत अच्छी बनती है और मतलब स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, तो मैंने बनाई है। और रोटी बनाई थी, तो नाश्ता हम लोगों का हो गया है। और मैंने सारा जो किचन का काम होता है वो मैंने फिनिश कर लिया है। अब मैंने बिठा दिया है दाल, तो दाल तो बन गई है। और मुझे बनाना है अभी चावल, और दूध भी बॉयल हो गए हैं, तो अब मैं चलती हूँ बनाऊँगी दाल। दाल तो बन गई है, लेकिन दाल में मुझे लगाना है तड़का। चलिए अब लगाते हैं दाल में तड़के, और उसके बाद मैं बनाऊँगी चावल। तो चलते हैं किचन में। मेरे चैनल पे जो नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और ऑल पे क्लिक करके बेल आइकन को जरूर से ज़रूर प्रेस कर देंगे, तो ताकि मेरे वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए और आप लोग मेरा लेटेस्ट वीडियो देख सको, वॉच कर सको। तो बस चलते हैं किचन में, और ज़्यादा मैं बात करती भी नहीं हूँ, बहुत बात मैं कम करती हूँ, क्योंकि हम लोग को काम करना बहुत ज़रूरी है। तो बस ज़्यादा मैं बात करूँगी तो जो काम का रूटीन है ना वो रुक जाएगा, और फिर भी अच्छा नहीं लगता है ज़्यादा बात करना, थोड़ा सा बात कर लो हो जाता है। तो दाल तो मैंने बैठा सॉरी दाल नहीं चावल मैंने बैठा दिए है, और मुझे जो अभी मुझे मछली बनाना है, और उसके लिए मुझे लहसुन अदरक प्याज तो छीलना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास तो मैं मतलब अक्सर मैं बनाती हूँ, मतलब ताज़ा तरह ताज़ा मैं बनाती हूँ, वो मसाले बनाती हूँ और उससे मैं खाना बनाती हूँ, चाहे सब्जी का मसाला हो चाहे कुछ भी हो। अदरक लहसुन मैं फ्रिज में स्टोर नहीं करती हूँ, तो अब मैं जा रही हूँ फ्रिज में, मतलब अदरक लहसुन मैं बनाऊंगी, मतलब छीलूंगी और उसका पेस्ट बनाऊंगी, और अब मैं फ्रिज में स्टोर करूंगी, क्योंकि मौसम थोड़ा खराब मतलब चल रहा है। और सुबह सुबह थोड़ी सी हल्की हल्की मतलब लग रहा है, इससे सर्दी टाइप लग रहा है, हल्की ज़्यादा नहीं, हल्की हल्की, लेकिन ठंडी के मौसम जब आता है तो मैं स्टोर करती हूँ फ्रिज में, अदरक लहसुन पेस्ट करके रख देती हूँ, पेस्ट बना करके, तो उसको मैं स्टोर करती हूँ। अब उसके लिए मुझे ये मैंने ले लिया है, यहाँ पे लिया है, देखिए आप सब यहाँ पे ये मैंने ले लिया है अदरक लहसुन, और इसको मैं छीलूंगी थोड़ा, इसका मैं फाइन पेस्ट बनाऊंगी, पेस्ट बना करके मैं फ्रिज में रख दूंगी, ताकि मुझे ठंडी थोड़ा हल्की हल्की ठंडी भी लगे ना, तो मुझे झट से मतलब मैं फ्रिज में से निकालूँ और ये मैं बना लूँ, कुछ ही बनाना हो तो मैं बना लूँ, सब्जी हो चाहे आप ठंडी मतलब हल्के ही कुछ आ रहा है, जैसे गोभी आ रही है और बैंगन आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, तो उसको थोड़ा मसाले वाला अच्छा लगता है बनाने में, खाने में भी, तो वही बनाऊंगी। तो बस चलिए मैं छीलती हूँ, और उसके बाद पेस्ट बनाने के बाद मुझे क्या करना है कि फिश भी बनाना है, और दस चावल तो बन रहे हैं, तो बस चलिए चलते हैं, उसके बाद में मिलती हूँ आप लोग। तो बस मैं आ गई हूँ, अदरक लहसुन लेकर के मैं इसको मैं छीलूँगी, और छीलने के बाद इसको मैं धो दूँगी, और धोने के बाद थोड़ा सा मैं इसको ड्राई करूँगी हल्की सी, ताकि इसका पानी सूख जाए, और मैं उसके बाद मैं इसका पेस्ट बनाऊँगी। तो आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग को, पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर जो मेरे नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे।
तो बस आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक था, और मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा।